ये बाबतपुर वाले रोड से पड़ता है, जिधर से बाबतपुर जाया जाता है वहाँ से मंगारी बीच में पड़ता है, तो वही मंगारी देवी मंदिर पड़ता है। अगर आप लोगों को घूमना पड़ेगा तो आइएगा, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत मस्त सा जगह है, वही चलता है। गाइस यहाँ पर एक तालाब है बगल में, इसका भी व्यू आप लोग को दिखा दिया मंदिर के अंदर, अभी चलेंगे तो दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ का डेकोरेशन देख सकते हैं, एकदम एक नंबर का, फूल का मस्त सा पूरा एकदम अंदर मंदिर के डेकोरेशन गजब का हुआ है गाइस। इसके अंदर घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा हम लोग के मंदिर की तरफ कहीं नहीं है। ये हम लोग को पता चला कि यहाँ पर मंदिर है तो इसीलिए हम लोग घूमने आ गए। यहाँ पर नरेश्वर महादेव मंदिर का मतलब ये शंकर भगवान का मंदिर है, गजब सा मस्त सा है मंदिर। आइए चलते हैं, तब तक मंदिर के अंदर चलेंगे, हम बगल में ग्राउंड में घूम रहे थे, अच्छा लग रहा था हरा। तो गाइस ये मंदिर है एकदम गांव के बीच में, और यहाँ पे एकदम देख सकते हैं हमारे अगल बगल मंदिर के दिखा रहे हैं आप लोग को, देख सकते हैं मंदिर के अगल बगल पूरा एकदम गाँव इलाका है और ये मंदिर बीच में है। आएंगे तो आपको काफ़ी खाली लगेगा, लेकिन इस टाइम जब चलता है शिवरात्रि को बता रहे थे गुरु जी कि यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार आदमी एकदम भीड़ लगा था, एकदम यहाँ पे पूरा एकदम शिवरात्रि एकदम मस्त सा यहाँ पे। तो गाइस ये मंदिर का रूल है कि 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 3:30 बजे खुलता है और सुबह से 7 बजे खुल जाता है, अरे सुबह 4 बजे खुल जाता है। और अगर आप लोग को दर्शन करना होगा तो सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे के पहले आ जाइएगा यहाँ पर, अगर शाम को आना है तो 3:30 बजे के बाद ही आ गया, इसलिए कि यहाँ पर मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद खुलेगा 3:30 बजे से, शाम को खुलेगा तो चलेगा 7 बजे का, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में कोई मस्त कंटेंट सोच के आएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।